स्वस्तिनो बृहस्पतिर्दधातु सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये श्री सर्वार्थसाधने शरण्ये द्रौपदे गौरी नारायण नमोऽस्तुते
आदरणीय सीके साहब के हम सब वर्षानुवर्ष साथ में योगा प्राणायाम बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जिसकी वजह से कभी स्वास्थ्य में तकलीफ नहीं आई, कष्ट नहीं आया। मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। आई वुड लाइक टू कंग्रेचुलेट टू सीके सर फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। मे गॉड ब्लेस हिम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर फॉर हिम। ही हैज बीन ऑलवेज अ वेरी हेल्पिंग हैंड टू दोज हु आर हैविंग प्रॉब्लम्स इन लाइफ एज फार एज देयर हेल्थ इज कंसर्न। आई विश हिम ऑल द बेस्ट फॉर मी एंड माय फैमिली। मे गॉड ब्लेस दोज हु कम डू एक्सरसाइज एंजॉय हिम। All the best for their future as far as their health is concerned. And I think this is the right time for everybody, everyone, whoever is watching this right here, right now, from that health and wealth. इसमें किसी भी प्रकार की कहीं से भी तकलीफ ना आए इसका सदैव ख्याल कीजिए। मैं सीके सर और आपके साथ जुड़े हुए जो जो यहाँ पे आपके साथ जुड़ने वाले हैं टीचर्स, आप सभी के शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ जो जो यहाँ पे आए वो स्वास्थ्य उनका स्वास्थ्य उज्ज्वल हो और किसी प्रकार का कष्ट ना आए। प्रणाम। प्रणाम। मैं शुभेच्छा प्रदान करता हूँ। आई लाइक टू कंग्रेचुलेट टू सीके सर फ्रॉम मी एंड माय फैमिली। ऑल द बेस्ट फॉर द फ्यूचर फॉर द यंगस्टर दोज हु आर गोइंग टू कम हियर एंड डू एक्सरसाइजेस। He's been too good with me and my family. Thank you so much, CK sir. May God bless. And he's been helping hand to those who want to come up in life with best health. All the best. Thank and you. God bless. Thank you very much, sir. और जिंदगी के हर मोड़ में कभी ना कभी किसी से कुछ सिखाया जाता है। ऐसे फिटनेस गुरु को ऐसी जगह दी तो मैंने कहा कि सर ये जगह थोड़ी छोटी लगती है, हालांकि काफी बड़ी जगह है, लेकिन मैंने कहा कि ये जगह थोड़ी छोटी लगती है, यहाँ पे प्रैक्टिस होता है। तो दोस्तों ये वो बातों ने मुझे काफी इतना मुझे झिझोड़ दिया कि अगर इंसान चाहता है तो छोटी जगह हो या कोई भी कोना हो, अगर उसके अंदर बढ़ने की क्षमता हो तो वो छोटी जगह से बड़ी जगह के लिए उसकी रफ्तार बढ़ा सकता है। आपने अपना समय भी निकाला और यहाँ आकर IFS की टीम को आशीर्वाद दिया। और IFS की टीम हमेशा लोगों के फिटनेस के लिए अच्छा काम करेगी। हमारा कॉन्सेप्ट यही है कि छोटे बच्चे हो या बड़े, हर इंसान की सेहत अच्छी होनी चाहिए, फिट होना चाहिए। ये हमने सोच कर ये जगह की स्थापना की है ताकि हमारे यहाँ पर छोटे बच्चे जो आज जो इतने पढ़ाई करके और काफी प्रेशर में रहते हैं, जिनका फोकस नहीं होता प्रॉपर, उसका कारण ये है कि वो फोकस इसके लिए नहीं रहते क्योंकि उनकी फिटनेस बराबर नहीं रहती है, उनकी डिसिप्लिन बराबर नहीं रहती है। फिटनेस अगर जो व्यक्ति की बराबर होती है तो फ्यूचर में उसे किसी और चीज का नशा करने की जरूरत नहीं होती। वो फिटनेस की नशा इतना करें कि आने वाली कोई भी बुराई नशा उसको छू ना सके। तो ये सोचकर हमने IFS की स्थापना की है। और सर ये स्टार्टिंग करते समय भी जो मुहूर्त आपके हाथ से हुआ है तो बस मुझे आशीर्वाद आपका प्राप्त हो गया है कि अब मुझे विश्वास हो गया है कि ये ग्रो करेगा, क्योंकि शुरुआत ही इतना अच्छा है तो इसका शुरुआत हमेशा शुरुआत की तरह ही होगा। थैंक यू सो मच। रफ्तार बढ़ाने के साथ साथ बहुत महत्वपूर्ण है कि जो काम आप करें इसी के हिसाब से आप समझिए कि कहाँ से निकल के कहाँ पे पहुंचे हैं। और मुझे लगता है कि किसी भी प्रकार की शुरुआत जो है कभी भी ऐसे नहीं सोचिए कि छोटी है, ये आप कामयाब हो जाए ऐसे ही सोचना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि हर मंत्र का मूल मंत्र जो मुझे लगता है जीवन में जो मैंने जो मुझे प्राप्त हुआ मेरी अपनी माता जी आदरणीय निर्मला देवी जी से, आप ईमानदार रहे, जो किरदार कहीं भी आप निभा रहे हैं आप उससे वफादारी और ईमानदारी रखें। सर 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 प्लीज आप आइए।
We've been doing yoga, exercises, martial art, pranayam, sab. और मैं बहुत बहुत शुभेच्छा प्रदान करता हूँ. बहुत सारे यंगस्टर जो हैं वो समझ गए हैं कि स्वास्थ्य कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है. और ये जो समय है जिस वक्त लोग कोरोना के काल से और समय ग्रस्त लोग हैं वो अच्छे स्वास्थ्य से ही आगे निकल सकते हैं. तो सब आए जुड़े और मैं और मेरा घर परिवार तो जुड़ा ही हुआ है. फेस्टिव सीजन भी चल रहा है, किस तरह से आप प्लीज अभी इसे थैंक यू.